अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप लोग जो है सो ये वीडियो देख रहे ना, इसको अच्छे से देखिए। शिया भाई ने जो है सो एहराम बन चुके हैं। एहराम किसे कहते हैं? आप सभी भाई लोगों को पता ही होगा जो है सो उम्रा के लिए जो है सो हज करने के लिए एहराम बनना ज़रूरी है। तो चलिए शिया भाई की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से थोड़े इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर करता चलता हूँ। और जो है सो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए। जब आप लोग शिया भाई के अपडेट के लिए आए हैं तो कंपलसरी वीडियो को आप लोग 1-3-4 मिनट ज़रूरी देखा करिए, क्योंकि 1-3-4 मिनट देखेंगे तो आप लोगों को अपडेट समझ में आ जाने वाली है। जो है सो आप लोग स्किप करके जो है सो 1-2 मिनट में देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी अपडेट नहीं समझ में आती। अपना वीडियो रहता ही छोटा लेंथ आप लोगों को बोर करने के लिए कि अपन 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो तो नहीं बना रहे, 4-5 मिनट का वीडियो, वो भी आप लोगों वॉच नहीं करके आप लोग अपडेट सही से नहीं सुने तो आप लोगों को जानकारी नहीं मिलती। चलिए अभी बात करते देखिए। तो आज है देखिए जून के 2 तारीख, शिया भाई इस सफ़र पर निकलकर लगभग 365 दिन के आसपास हो चुके हैं। शिया भाई का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने से पहले अभी और एक भाई जो है अपने कर्नाटका से मक्का के लिए पैदल के लिए निकले हैं, वो भाई भी जो है सो उनका नाम है नौशद भाई, वो भाई के लिए भी दुआ कीजिए। अभी नौशद भाई अजमेर के करीब में पहुंचे हुए, हो सकता है अजमेर में भी इंटर हो चुके होंगे वो भाई का। तो अजमेर पहुंचे जैसा अपडेट तो नहीं आया है। अब जो है सो अजमेर के तो आसपास में ही है, जो है सो 5-10 किलोमीटर के आसपास में रुके हुए है जो है सो नौशद भाई। नौशद भाई के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। अभी आप लोग जो है सो अपन बात करते हैं अपनी शिया भाई के अपडेट के बारे में। जो है सो शिया भाई के अपडेट के बारे में जो आप लोग स्टार्टिंग में देख लिया, अभी तस्वीरों में भी देख रहे ना, शिया भाई अपना एहराम बांध चुके हैं। एहराम किसे कहते हैं? आप सभी को भाइयों को तो पता ही होगा ना, उम्रा हो या हज, अपन जो भी कर रहे हैं जो है सो एहराम बांध के ही करना रहता। वो जो है सो कपड़ा जो रहता बोले तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते चलूँ तो मैं, वो बिना सिले सो कपड़ा रहता, वो खाली कपड़ा रहता है, उसके उसके ऊपर अपने की एक सिलवाई भी नहीं रहती, एक नॉर्मल सा कपड़ा रहता। वो एहराम बन चुके हैं। वो एहराम बनने के बाद जो है सो अपन नियत कर लेते, जो उम्रे की नियत रहो, जो हज की नियत रहो, वो करने का रहता। जो अभी शिया भाई तो एहराम बन के यानी कि 1 तारीख के दिन 1 जून के दिन एहराम बन चुके हैं, अपने सफ़र में मक्के की तरफ आगे निकल चुके हैं। अभी बहुत ही जल्द शिया भाई मक्का मुनव्वरा पहुँचने वाले हैं। शिया भाई ये भी बता चुके थे कि ऑलरेडी अपने को जो है सो जब तक मक्का नहीं पहुंचूंगा वहाँ के अपडेट्स नहीं देता हूँ बगे। अभी जो भी शिया भाई अपने को वीडियोस अपलोड करते रहते हैं उनके चैनल पर जो है सो वो देखिए, अपने को जो है सो ईरान के, इराक के, पाकिस्तान के, वहाँ के वीडियोस ही देखने को मिलते रहते हैं। जब शिया भाई मक्का मुनव्वरा पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जो है सो सारी अपडेट्स अपने को मिलते रहेंगे। जैसे ही शिया भाई के हवाले से जो भी अपने को छोटी सी छोटी अपडेट में मिलेंगे तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करता रहूँगा। आप लोग बस अपने चैनल पर जुड़े रहिए, आप लोगों का प्यार मोहब्बत रहेगा। तो बहुत सारे ब्लॉग्स भी अपने चैनल पर मौजूद है ऑलरेडी, क्योंकि अपन पिछले महीने जो है सो अप्रैल के महीने में मैं उम्रे के लिए गया था, 28 तारीख को आपके भाई का भी उम्रा मुकम्मल हो चुका है, वहाँ के भी व्लॉग्स अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग एक बार वो व्लॉग्स भी दिखे देख लीजिए, उसके ऊपर आप लोगों का प्यार मोहब्बत दिखाइए। चलिए ऐसे ही आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर करता रहूँगा, उसके साथ ही साथ शिया भाई के और नौशाद भाई के भी अपडेट शेयर करता रहूँगा। और जो है सो शिया भाई के लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, क्योंकि शिया भाई अब जो सफ़र में जा रहे हैं ना मदीने से मक्के की तरफ, वो 450 किलोमीटर का सफ़र है। और जो है सो वहाँ पर धूप देखिए, बहुत काफ़ी धूप है वहाँ पर, इसलिए अपन शिया भाई के लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना चाहिए। अभी जो है सो उसके साथ ही साथ अपने नौशाद भाई के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते रहिए हर वक्त, अपनी दुआ खाली नहीं जाती, उसके बदले में हमको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है। जो है सो शिया भाई ऑलरेडी बता चुके हैं बहुत सारे वीडियोज़ में, जो है सो आप सभी के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, सारी उम्मत के लिए, सारी कायनात के लिए दुआ करने वाला हूँ बोलकर। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के अल्लाह हाफिज़।